67 पर बीजेपी, 60 पर समाजवादी पार्टी, कांटे की टक्कर, 130 के जो रुझान सामने आए हैं अब तक उसमें देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। यूपी 130 सीटों के रुझान अब तक सामने आए हैं और बीजेपी 67 पर वहां पर आगे और सात सीटें पीछे चल रही है समाजवादी पार्टी। बीएसपी 2 पर, कांग्रेस पार्टी 0 पर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है इस वक्त। बीजेपी 67 पर, समाजवादी पार्टी 60 पर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे सहारनपुर नगर देवबंद में बीजेपी की बढ़त वहां पर दिखाई दे रही है और नीचे कानपुर गोविंद नगर से सुरेंद्र मैथानी को बढ़त दिखाई दे रही है। हम लगातार एक एक उन उम्मीदवार के बारे में भी आपको नीचे ब्रेकिंग न्यूज में जगह दिखा रहे हैं। बेहद सीट से बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन 67 पर बीजेपी, 60 पर समाजवादी पार्टी, 130 के आंकड़े, 403 उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी साइकिल तेजी से दौड़ाती हुई वहां पर नजर आ रही है। अंजना, उत्तर प्रदेश के रुझान में समाजवादी पार्टी 60 पर, 8 का फासला है, 68 सीटों पर बीजेपी, 130 सीटों का अभी तक रुझान आ गया है 403 में से। और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर अब दिख रही है, 70 vs 59, 10 का ही फासला दिख रहा है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए अंजना जी, ये उतार चढ़ाव दिखेगा अगले 2-2.5 घंटे तक, उसके बाद ट्रेंड बिल्कुल साफ, जैसा आपका एग्जिट पोल है इंडिया टुडे आज तक का एग्जिट पोल, उसी तरह से दिखेगा आपको। 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। उसकी 2-3 कारण है। पहला कारण यह है कि अभी तो ये बैलेट पेपर है। दूसरा कारण यह है कि छोटे छोटे बूथ को इस बार छोटा छोटा कर दिया गया था, वोटर्स कम थे उसमें, इसलिए आपको इस तरह के रुझान दिखेंगे और उतार चढ़ाव दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे 2-3 घंटे के बाद आपको एक ट्रेंड सेट होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत बिल्कुल साफ आपको दिखेगी, जहां पर गैप बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए ठीक है, सैयद जफर इस्लाम साहब आप भी यहीं पर हैं, चलते हैं जल्दी से। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभिषेक, चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, एक टोन वाराणसी से सेट किया गया और वहीं पर ईवीएम का भी मुद्दा यहीं से सुलगा, जिसको अखिलेश यादव ने उखाड़ा। अब फासला देखिए, 71 और 63 हो गया है, फासला घट रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। अभिषेक, देखिए बिल्कुल अंजना, जो रुझान बता रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि अखिलेश यादव जो दावा कर रहे थे कि बीजेपी को पूरी तरीके से वो चुनौती देंगे, और अभी तक के रुझान कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी आश्वस्त थी अपनी जीत को लेकर के, हालांकि तमाम जितने भी नेता थे उन्होंने बात कही, लेकिन वाराणसी जहां मेरी मौजूदगी है वहां पर इस समय जो है वो माहौल यही है कि 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा, ये दावा बीजेपी कर रही है। बनारस की गलियों में रोज की तरह का ही नजारा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, चाय के दुकान के बाहर हमारी मौजूदगी, और वहां हमने लोगों से बात की तो सबका मानना है कि नहीं, आएंगे तो योगी ही, और कहीं ना कहीं बनारस में योगी और मोदी का मैजिक हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की सीटों पर जिस तरीके का समीकरण बैठाया था, चाहे ओपी राजभर को साथ लाना हो, महान दल को साथ लाना हो, आजमगढ़, मऊ, बलिया और इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मोर्चाबंदी समाजवादी पार्टी ने की थी, और उसका ही नतीजा धीरे धीरे हमको वोटिंग के जो जिस तरीके का रुझान आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में भागीदारी है वो पूर्वांचल तीसरे फेज के बाद चौथे फेज से जो औरतों की भागीदारी रही, जिस तरह से छठे फेज में हमने देखा लगभग 10 से 11% पुरुषों के मुकाबले औरतों ने ज्यादा वोट किया था।